हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब आई क्यू। पंजाब आई क्यू की इस स्पेशल वीडियो दे विच अज आपां डिस्कस करांगे पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दे लई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दा सैट नंबर 2, जिस दे विच आपां कवर करांगे जनरल अवेयरनेस दे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह सैट नंबर 2 तुहानूं मैनेजर पोस्ट, कलर्क पोस्ट, IT ऑफिसर पोस्ट और सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए हेल्प करेगा यह सैट नंबर 2। ठीक है जी, यह पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सैट नंबर 2 मैं थोड़े तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सारे क्वेश्चन खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन दिता गया है विच स्टेट गवर्नमेंट विल इनिशिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाय 2023। यानी आपां नूं पूछा गया है कि इस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विश्व का लार्जेस्ट, विश्व का सब तो वड्डा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। ठीक है, यह जो प्रोजेक्ट है यह 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। यह किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है? ऑप्शन दिए गए ने महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर नन ऑफ दीज। यह विश्व का सब तो वड्डा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है जिहड़ा, जो कि 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसनों लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश के। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। इस तो इलावा अगर थोड़े तो पूछा जाए यह जो लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट है यह किस डैम के उपर लगाया जा रहा है, तो अपना आंसर की हो जाएगा ओमकारेश्वर डैम। ओमकारेश्वर डैम जो कि मध्य प्रदेश के लोकेटड है, इस दे उपर लगाया जा रहा है। ठीक है जी, यह जो सोलर प्रोजेक्ट है। इस तो इलावा अगर पूछा जाए किस रिवर के उपर लगाया जा रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर, यानी जो ओमकारेश्वर डैम है यह नर्मदा रिवर के उपर बनया हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के बहती है। ठीक है, इस दे उपर लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। ठीक है जी, ये तुहानू ध्यान में रखना है। इस तो इलावा अगर थोड़े तो पूछा जाए इस प्रोजेक्ट तो पहला, यानी यह प्रोजेक्ट स्टार्ट होने तो पहला जो विश्व का सब तो वड्डा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से उसका नाम की है, उसका नाम है रामागुंडम। रामागुंडम कितने लोकेटड है? तेलंगाना दे विच। ठीक है, तेलंगाना दे विच। बट हुण विश्व का सब तो वड्डा किहड़ा हो गया? यह हो गया अपना जो कि मध्य प्रदेश के बन रहा है ओमकारेश्वर डैम के उपर। यह विश्व का सब तो वड्डा हो गया, बट इस तो पहला रामागुंडम से जो कि तेलंगाना दे विच लोकेटड से। ठीक है जी, इस तो इलावा जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वह है भोपाल। ठीक है, CM कौन ने? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, गवर्नर कौन ने मध्य प्रदेश के? मंगूभाई पटेल। मंगूभाई पटेल नू रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी तुसी ध्यान विच रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री इज वर्किंग टू डिवेलप फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू रिड्यूस स्पेस जंक। यानी जो स्पेस के अंतरिक्ष के जो कचरा वगैरह हो जाता है इसनों घटाने के लिए, इसनों रिड्यूस करने के लिए किस देश के द्वारा एक वुडन सैटेलाइट है जिहड़ा यह डिवेलप किया जा रहा है? ठीक है, इसनों इस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस दे नाल इस वुडन सैटेलाइट के नाल जो स्पेस यंक है इसनों रिड्यूस किया जा सकेगा। ठीक है जी, आपां पूछा गया है किहड़ा देश है जो कि इसनों डिवेलप कर रहा है? ऑप्शन दिए गए ने इंडिया, USA, जापान, चाइना या फिर नन ऑफ दीज। यह जो वुडन सैटेलाइट है यह डिवेलप किया जा रहा है जापान देश के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर है सही अपना सी ऑप्शन, जापान। जापान की जो राजधानी है उसका नाम है टोक्यो। ठीक है, टोक्यो के टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं, ये भी तुहानू ध्यान में रखने ने। ठीक है, घट्टो घट तुसीं टोक्यो ओलंपिक्स तो एक क्वेश्चन अपने एग्जाम के जरूर देखोगे। ठीक है, ये भी तुसीं ध्यान में रख लियो। ठीक है जी, और अगर पूछा जाए जापान की जो करंसी है उसका नाम की है, उसका नाम है येन। और अगर पूछा जाए प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के, उसका आंसर हो जाएगा योशीहिडे सुगा। योशीहिडे सुगा यह प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने जापान देश के, यह भी तुसी ध्यान विच रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट होस्टड द 51st इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल ऑफ इंडिया। यानी कि स्टेट है, कि राज है भारत का जिस 51st इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल है जोड़ा यह ऑर्गनाइज़ किया गया। ठीक है, यह पूछा गया अपन, यह जो ऑर्गनाइज़ किया गया, ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटका, गोवा, गुजरात, केरला या फिर नन ऑफ दीज। 51st इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल ऑफ इंडिया जो है इसनों ऑर्गनाइज़ किया गया गोवा स्टेट के। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन, गोवा। गोवा की जो राजधानी है यानी कैपिटल है वह है पानाजी। ठीक है, पंजीवी जिन्हों आप बोलते हैं। ठीक है जी, अगर थोड़े तो पूछा जाए CM कौन ने गोवा के, उन्हों का नाम है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन ने गोवा के? PS श्रीधरन पिल्लई। PS
श्री धरन पिल्लई यह प्रेजेंट टाइम के गवर्नर ने गोवा स्टेट से, यह भी तुसी ध्यान में रख लियो। ठीक है जी, अगर तुहाडे तो पूछा जाए 51st इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल जो हो रहा है, ठीक है, जिसनों आप IFFI भी बोलते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट, ठीक है, और यह तो पूछा जाएगा तुहाडे तो इसकी जो ज्यूरी है, ठीक है, इसकी जो ज्यूरी है, इसके हेड कौन है, तो आंसर अपना की हो जाएगा पाब्लो सेसार यह इस ज्यूरी के हैड ने, यह भी तुसी ध्यान में रखना है, पाब्लो सेसार। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट यूटी, यानी इंडिया का सब तो उच्चा हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है जिहड़ा, यह इनॉग्रेट किया गया है, यह किस राज या फिर केंद्र शासित प्रदेश के विच इसनों इनॉग्रेट किया गया। ऑप्शन ने उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर नन ऑफ दीज। इंडिया का सब तो उच्चा मेट्रोलॉजिकल सेंटर है जिहड़ा, इसनों इनॉग्रेट किया गया लद्दाख के विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन, लद्दाख। इस तो अलावा तुम ये भी याद रखो, इसकी जो हाइट है वह कितनी हाइट है, यह हाइट है 3500 मीटर की, यानी जो सी लैवल है इस तो 3500 मीटर उच्चा है यह मेट्रोलॉजिकल सेंटर, यह भी तुम ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर तुहाडे तो पूछा जाए जो लद्दाख है, इसके जो प्रेजेंट टाइम के लैफ्टिनेंट गवर्नर ने, उन्हों का नाम की है, उन्हों का नाम है राधा कृष्ण माथुर यानी आर के माथुर, यह प्रेजेंट टाइम के लैफ्टिनेंट गवर्नर ने लद्दाख यूटी के, यह भी तुम ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटड एज अ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, यानी जो रेलवे बोर्ड है इस दे चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसनों अपॉइंट किया गया है रिसेंटली, यह पूछा गया अपन इस क्वेश्चन। ऑप्शन ए वी के यादव यानी विनोद कुमार यादव, विवेक योरी, सुनीत शर्मा, पीयूष गोयल या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है सी ऑप्शन, सुनीत शर्मा को अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना सी ऑप्शन, सुनीत शर्मा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तुसी कमेंट बॉक्स के लिख के जरूर दसना है प्रेजेंट टाइम पर जो रेलवे चेयरमैन ने, यानी प्रेजेंट टाइम पर जो रेलवे के मिनिस्टर ने, सॉरी, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर ने इंडिया के, उन्हों का नाम तुसी कमेंट बॉक्स के लिख के दसने, ठीक है, चेयरमैन तो यही बने ने सुनीत शर्मा, ठीक है, तो हमने मिनिस्टर दसना है प्रेजेंट टाइम पर रेलवे के मिनिस्टर कौन ने, ठीक है, यह तुसी कमेंट बॉक्स के लिख के जरूर दसो। इस आंसर है सी ऑप्शन, सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छे नंबर क्वेश्चन, जस्टिस हिमा कोहली हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, यानी केड़ा हाई कोर्ट है जिस दे विच पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है जिसका नाम है हिमा कोहली, ठीक है, ये अपन क्वेश्चन के पूछा गया। ऑप्शन ए बॉम्बे, दिल्ली, तेलंगाना, इलाहाबाद या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन आंसर है अपना सही सी ऑप्शन, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन्हों दोनों का पहला कॉमन हाई कोर्ट सी, बट 2019 दे विच जो 25th हाई कोर्ट बनाया गया सी उसका नाम की है तेलंगाना हाई कोर्ट, इस आंध्र प्रदेश तो अलग होकर बनया सी, ठीक है जी, ये तुमने ध्यान में रखना है। जो आंध्र प्रदेश वाला है यह अमरावती दे विच अलग तो बना दिता गया सी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर टोटल हाई कोर्ट्स किन्ने ने इंडिया दे विच 25 ने, ठीक है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। इस तो अलावा अगर तुहाडे तो पूछा जाए पहली चीफ जस्टिस कौन बनी सी महिला किसी भी हाई कोर्ट की, यानी फस्ट वूमेन चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी सी, उसका आंसर हो जाएगा लीला सेठ, ठीक है। अगर तुहाडे तो पूछा जाए पहली महिला जस्टिस कौन बनी सी, यानी पहली महिला जज कौन बनी सी सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला जज बनी सी फातिमा बीवी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फातिमा बीवी यह पहली महिला सी जिसनों अपॉइंट किया गया सी एज द जज इन सुप्रीम कोर्ट। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ने, प्रीवियस एग्जाम के पूछे जा चुके हैं, दोनों याद रखो। इस आंसर बनेगा अपना तेलंगाना, यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है, हिमा कोहली बनी है एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्त नंबर क्वेश्चन, सैवंथ नंबर क्वेश्चन, वट इज़ द नेम ऑफ द बाइक एम्बूलेंस लॉन्च बाय DRDO एंड CRPF, यानी DRDO और CRPF के द्वारा मिलकर एक बाइक एम्बूलेंस लॉन्च की गई है, इसका नाम की है। ऑप्शन ए सुरक्षा, रक्षिता, शक्ति, रक्षा या फिर नन ऑफ दीज। इस बाइक एम्बूलेंस का नाम रखा गया है रक्षिता। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन, रक्षिता इसका नाम रखा गया है। इसको लॉन्च किया गया है DRDO और CRPF के द्वारा मिलकर, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज की फुल फॉर्म है, ठीक है, DRDO फुल फॉर्म की है,
डिफेंस रिसर्च डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर कितने है न्यू दिल्ली दे विच और इसके चेयरमैन कौन ने जी सतीश रेड्डी जी सतीश रेड्डी यह प्रेजेंट टाइम से चेयरमैन है DRDO के ये भी तुसी ध्यान में रखो इस आंसर बनेगा बी ऑप्शन रक्षिता वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नैक्सट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन एलन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स इसके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है रिसेंटली ठीक है 24 जनवरी 2021 में इसके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो क्रिएट किया गया ठीक है इसके द्वारा एक रॉकेट के किन्ने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ने जिन्हों एक ही रॉकेट के लॉन्च किया गया ठीक है यह पूरे विश्व के वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इस कंपनी का स्पेस एक्स का ठीक है आपां नूं पुछा गया है टोटल किन्ने सैटेलाइट इन्हां दे द्वारा एक रॉकेट के लॉन्च किए गए ऑप्शन है 132, 143, 148, 151 या फिर नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन 143 टोटल 143 सैटेलाइट ने जिहड़े एक रॉकेट के लॉन्च किए गए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा यह लॉन्च किए गए 24 जनवरी 2021 में यह भी याद रखो जी ठीक है इस क्वेश्चन आंसर है अपना बी ऑप्शन 143 इस तो इलावा अगर पूछा जाए इस दे लई जिहड़ी वहीकल यूज़ किया गया है वह किहड़ा किया गया है यह भी इंपोर्टेंट है वहीकल जिहड़ा यूज़ किया गया है उसका नाम है फैलकन ठीक है यानी इस फैलकन रॉकेट के 143 जो सैटेलाइट्स ने इन्हों भेजा गया और लॉन्च किया गया अंतरिक्ष के स्पेस के ठीक है ये तुसी याद रखो इस तो पहला अगर तुहाडे तो पूछा जाए इस तो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका सी इस तो पहला इंडिया की इसरो का वर्ल्ड रिकॉर्ड सी इसरो के द्वारा टोटल 104 सैटेलाइट नूं एक रॉकेट के लॉन्च किया गया सी जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड सी बट इसनों तोड़ता हूँ किसने स्पेस एक्स ने किन्ने लॉन्च करते 143 सैटेलाइट एक रॉकेट के ठीक है ये भी याद रखो इंडिया का रिकॉर्ड से 104 सैटेलाइट नूं एक रॉकेट के लॉन्च करन दा यह भी ध्यान में रखो ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन वैन इज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑबजर्वड वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस किस डेट में ऑबजर्व किया जाता है यह आप क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शन है 29 फरवरी 20 फरवरी 21 फरवरी 22 फरवरी या फिर नन ऑफ दिस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑबजर्व किया जाता है हर साल 20 फरवरी में इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन 20th of February ठीक है और अगर पूछा जाए तो इसका थीम की है 2021 इसका थीम की है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनमी डिजिटल इकोनमी यह है थीम 2021 साल के लिए इस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का जो मनाया जाता है हर साल 20 फरवरी में वेरी वेरी इंपोर्टेंट इस आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन हु हैज़ वन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड फॉर 2021 इन द क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कैटेगरी यानी आपां नूं पूछा गया है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2021 दे लई किसनूं दिता गया है एक कैटेगरी दे लई जिसका नाम है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कैटेगरी इस कैटेगरी दे लई किसनूं बेस्ट जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है वह दिता गया है ऑप्शन है सुशांत सिंह राजपूत अमिताभ बच्चन सलमान खान अक्षय कुमार या फिर नन ऑफ दीज़ यह जो अवार्ड है यह तुहाने ध्यान में रखना है यह क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कैटेगरी के दिता गया है सुशांत सिंह राजपूत को वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन सुशांत सिंह राजपूत ठीक है इस तो इलावा यह तो सी अपने को क्रिटिक्स कैटेगरी ठीक है अगर तुहाडे तो पूछा जाए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसनों दिता गया है ठीक है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड के बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है यह दिता गया है अक्षय कुमार को ठीक है अक्षय कुमार को दिता गया है इसकी मूवी यानी अक्षय कुमार की एक मूवी है जिसका नाम है लक्ष्मी लक्ष्मी मूवी के लिए इस बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिता गया इस दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड के भी याद रखो ठीक है अगर तुहाडे तो पूछा जाए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसनों दिता गया सी ये दिता गया दीपिका पादुकोण किस मूवी के लिए यह मूवी है जिसका नाम है छपाक एसिड अटैक वाली मूवी है तुमने देखी होगी छपाक मूवी इस इन्हों दिता गया है बेस्ट एक्ट्रेस दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड ये तुमने याद रखना है बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस ठीक है और अगर पूछा जाए बेस्ट फिल्म कि रही बेस्ट फिल्म रही ताना जी यह रही बेस्ट मूवी या फिर बेस्ट फिल्म कह सकते हैं आप ठीक है ये तो असं अपने को इंपोर्टेंट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड के बारे अगर तुहाडे तो पूछा जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिहड़ा एक अलग तो होंदा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये तो की सी इह थी अपने को दादा साहेब इंटरनेशनल अवार्ड्स बट अपने तो पूछा जाता है दादा साहेब अवार्ड
दादा साहेब अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसान दिता गया है 2021 तो आंसर हो जाएगा रजनीकांत। रजनीकांत को दिता गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह दादा साहेब अवार्ड है जो कि रजनीकांत को दिता गया है अलग तो। ठीक है, इस तो पहले यानी प्रीवियस ईयर यह दिता गया सी अमिताभ बच्चन को। ठीक है, प्रीवियस ईयर दिता गया सी अमिताभ बच्चन को, बट 2021 रजनीकांत को दिता गया है दादा साहेब फालके अवार्ड। वैरी वैरी इंपोर्टेंट, यह भी तुम याद रखो सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स। इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, सुशांत सिंह राजपूत। नैक्सट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है हू हैज़ वन द मैनज सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का कंडक्ट किया गया। ठीक है, इस दे विच मैनज कैटेगरी दे विच जो मैनज सिंगल टाइटल है यह किसने जितया है। ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, डैनियल मेडवेडेव, ठीक है, राफेल नडाल हो गया, और लास्ट ऑप्शन है रोजर फेडर या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जो इन्हों के द्वारा मैनज सिंगल टाइटल है जोड़ा यह जितया गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। इस आंसर है ए ऑप्शन, नोवाक जोकोविच। ठीक है, और अगर पूछा जाए वुमेन्स कैटेगरी के यानी वुमेन्स सिंगल्स जो टाइटल कंडक्ट किया गया ऑस्ट्रेलियन ओपन का यह किसने जितया, इस जितया गया नाओमी ओसाका के द्वारा। नाओमी ओसाका के द्वारा इसमें जितया गया वुमेन्स सिंगल टाइटल, ये भी तुम ध्यान में रखो नाओमी ओसाका। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, हू हैज़ वन द ए एम ट्यूरिंग अवार्ड फॉर 2020, यानी 2020 के लिए ए एम ट्यूरिंग अवार्ड है जोड़ा यह किस दे द्वारा जितया गया। जो ए एम ट्यूरिंग अवार्ड है यह बेसिकली इसमें कहा जाता है नोबल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग। नोबल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग कहा जाता है, यानी कंप्यूटर क्षेत्र के कंप्यूटिंग क्षेत्र के जो सब तो हाईएस्ट अवार्ड है उसका नाम की है ए एम ट्यूरिंग अवार्ड। इसनों इस करके ही नोबल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग कहा जाता है। ठीक है, यह 2020 के लिए किसान दिता गया। ऑप्शन ए पॉल एलन, एलन मस्क, लैरी पेज, एल्फर्ड वी आहो या फिर नन ऑफ दीज। यह जो अवार्ड है यह दिता गया एल्फर्ड वी आहो नू। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना डे ऑप्शन, एल्फर्ड वी आहो नू दिता गया ए एम ट्यूरिंग अवार्ड 2020 के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन, एल्फर्ड वी आहो। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, वट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शिप, यानी विश्व की पहली आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शिप का नाम आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन के। ऑप्शन है सनफ्लावर 400, आर्थर 2030, ठीक है, और सी ऑप्शन है मे फ्लावर 400, सीफरर 66 या फिर नन ऑफ दीज। विश्व का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शिप है जोड़ा उसका नाम की है, उसका नाम है मे फ्लावर 400। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सी ऑप्शन, मे फ्लावर 400। अगर पूछा जाए इस बनाया किसने, यह बनाया गया है मैरिन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इस दे द्वारा IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाल मिलकर बनाया इसनों। ठीक है, यह विश्व का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शिप है, यह भी पूछा जा सकता है मैरिन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसनों मिलकर बनाया गया है IBM के नाल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाल। इस CEO कौन ने, अरविंद कृष्णा। ठीक है, यह भी तुम ध्यान में रखो, इस आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट इन विच स्टेट, यानी इंडियन आर्मी के द्वारा पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट है जोड़ा यह पूछा गया है कितने लॉन्च किया जा रहा है, किस स्टेट के। ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल, तेलंगाना या फिर नन ऑफ दीज। इंडियन आर्मी के द्वारा पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट है जोड़ा इसनों सैटअप किया जा रहा है सिक्किम स्टेट के। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन, सिक्किम। नैक्सट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हू हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन द प्रेस्टिजियस शेख जायद बुक अवार्ड, यानी एक अवार्ड दिता गया है यह इंडिया के पहले पर्सन ने जिन्होंने यह अवार्ड दिता गया है। ठीक है, इसका नाम की अवार्ड का, प्रेस्टिजियस शेख जायद बुक अवार्ड। यह जो अवार्ड है यह किसनों दिता गया, ठीक है, यह तो उन्हें ध्यान में रखना है, यह जो अवार्ड है यह अरेबिक दे विच वर्ल्ड दे विच यानी अरेबिक वर्ल्ड्स नोबल प्राइज इसको बोलिया जाता है। ठीक है, काफ़ी बारी ऑप्शन के यानी अपन क्वेश्चन में शेख जायद बुक अवार्ड की जगह अपन दे देते हैं अरेबिक वर्ल्ड्स नोबल प्राइज, तो भी अपना आंसर है जोड़ा बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक है, यह किसू दिता गया अपन ये पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन है अमृता प्रीतम, जुम्पा लाहिरी, खलेद हुसैनी या फिर ताहिरा कुतुबद्दीन या फिर नन ऑफ दीज।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन, ताहिरा कुतुबद्दीन यह अवार्ड दिता गया, इसका नाम किया शेख जायद बुक अवार्ड। ठीक है, इसमें अरेबिक वर्ल्ड्स नोबल प्राइज भी इसको बोलिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कहड़ा बनेगा अपना डी ऑप्शन, ताहिरा कुतुबद्दीन। सो इस सी अपने को 15 क्वेश्चन जो कि आपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के कवर किए हैं, काफ़ी सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स के नाल आपने इस वीडियो के इन्होंने 15 क्वेश्चन को कवर किया काफ़ी डिटेल के। ठीक है जी, अगर तुम इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो साडा जो टैलीग्राम चैनल है पंजाब IQ इसनों ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक मिल जाएगा, उतों भी तुम इस टैलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, इस तों इलावा पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए साडे द्वारा एक स्पैशल गैस पेपर है जिहड़ा वह तैयार किया गया है। ठीक है, इस गैस पेपर के टोटल 5000 तो ज़्यादा क्वेश्चन तुहानू मिलणगे। ठीक है, इस दे विच सब तो वड्डी खास गल की है इस गैस पेपर दे विच, इस दे विच तुहानू कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनैस दे नोट्स फ्री दिते जाणगे इस गैस पेपर दे नाल। ठीक है, जो ये बैंकिंग अवेयरनैस तुहाडे मैनेजर कलर्क दे एग्जाम दे विच आएगी उस दे विच अलग तो बैंकिंग अवेयरनैस का सैक्शन है जिहड़ा अलग तो मैनशन किया गया है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इस 160 क्वेश्चन जिहड़े बैंकिंग अवेयरनैस दे घट ने, इस करके तुहाडे लई कंप्लीट यानी जिन्हें भी कंप्लीट नोट्स बनते हैं बैंकिंग अवेयरनैस तो सारे के सारे तुहानू इस गैस पेपर के नाल फ्री दिते जाणगे, यह तुहाने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, 5000 क्वेश्चन मिलेंगे तुहानू। ठीक है, क्वेश्चन बैंक मिलेगा 5000 क्वेश्चन का, इस जनरल अवेयरनैस के 2500 क्वेश्चन होंगे, इंडियन GK तो 1000, करंट अफेयर्स के होंगे 1200 और पंजाब GK के 400 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज के टोटल 1500 प्लस क्वेश्चन होंगे इस। ठीक है, और रीजनिंग के 300 क्वेश्चन होंगे और क्वांट के होंगे 250 क्वेश्चन। इस बेसिकली तुहानू अलग तो डाटा इंटरप्रिटेशन मैनशन किया गया है सिलेबस के, उसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इस गैस पेपर के पाए गए हैं। ठीक है जी, यह जो रीजनिंग और क्वांट है इसका तुहानू वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा नाल। ठीक है, यानी इस बेसिकली लिंक्स पाए गए हैं यूट्यूब वीडियोज़ के, प्राइवेट वीडियोज़ ने यह। ठीक है, इन्हों के उपर तुम क्लिक करके यह वीडियोज़ जो रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन पाए गए हैं इन्हें तुम सोल्यूशन भी देख सकते हो इस गैस पेपर के। ठीक है जी, नैक्सट आता है पंजाबी व्याकरण, पंजाबी व्याकरण के टोटल 300 क्वेश्चन पाए गए हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। नैक्सट है बैंकिंग अवेयरनैस, बैंकिंग अवेयरनैस मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्जाम के, 160 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पाए गए हैं। ठीक है, और कंप्लीट नोट्स पाए गए हैं, कंप्लीट नोट्स के हर एक चैप्टर के नाल अलग तो 5-5, 10-10 क्वेश्चन जिहड़े हर एक टॉपिक के नाल अलग तो मैनशन किए गए हैं। ठीक है, पहला टॉपिक कवर किया होएगा, उस तो बाद उसके जिन्हें भी क्वेश्चन बनते होंगे वो भी नाल अटैच किए गए हैं इन्हों नोट्सा के। ठीक है जी, यह सारा कॉन्टेंट तुहानू इस गैस पेपर के प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है जी, यह जो गैस पेपर है इसनों 500 के आसपास जिहड़े स्टूडेंट ने ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, अपना टारगेट है यह जो गैस पेपर है यह आपने 2000 स्टूडेंट्स नू प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि यह जो गैस पेपर है मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा तो एग्जाम के, काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम इस गैस पेपर के डायरैक्ट देखोगे। तुम देखा होगा लाइब्रेरी का एग्जाम, ठीक है, लाइब्रेरियन का एग्जाम होया, लीगल क्लर्क का एग्जाम होया रीसेंटली, ठीक है, एक दो एग्जाम होर हुए हैं रीसेंटली, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस गैस पेपर के डायरैक्ट से। ठीक है, कंप्यूटर के हो गए, ठीक है, रीजनिंग और क्वांट के हो गए, पंजाबी व्याकरण के हो गए, GK के हो गए, करंट अफेयर के हो गए, काफ़ी सारे क्वेश्चन इस गैस पेपर के डायरैक्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपना टारगेट है यह जो गैस पेपर है 2000 स्टूडेंट को आपने सेल करना है, इस तो बाद आपने इस गैस पेपर में सेल नहीं करना। इसका जो टारगेट है वह है 13 और 14 अगस्त, जो स्टूडेंट चाहते हैं वह इस गैस पेपर में परचेज कर सकते हैं। यह जो गैस पेपर है यह तुहानू PDF फॉरमेट के अवेलेबल करवाया जाएगा, और यह जो गैस पेपर है तुहानू सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा के ही मिलेगा, पंजाबी हिंदी के यह गैस पेपर नहीं मिलेगा तुहानू। ठीक है जी, अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है इस स्पैशल गैस पेपर नू तां बाय कर सकता है। ठीक है, और इस दे चार्जस ने 1000 रुपये 1000 रुपीज़। ठीक है, और इस दे उपर तुहानू 30% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी यह जो गैस पेपर है तुहानू सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये दे विच प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड यह गैस पेपर होएगा। ठीक है, परचेज किवें करोगे तुसीं, गूगल पे, फोनपे, पेटीएम कर सकते हो 700 रुपया सेम नंबर के उपर 7009868826। ठीक है, उस तो बाद पेमेंट करने तो बाद तुहाने सेम नंबर के उपर वट्सएप अकाउंट के उपर अपना जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर देना है, नाल तुहाने ये भी लिखना है पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक गैस पेपर। ठीक है जी, साडी टीम के द्वारा 30 मिनट तो लैके 60 मिनट के विच तुहानू यह जो गैस पेपर है साडी टीम के द्वारा सेंड कर दिता जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी मात्रा के मैसेज आते हैं, इस करके जल्दी यह जो तुहानू सेंड करना पॉसीबल नहीं हो पाता। ठीक है,
30 तो 60 मिनट लग जाएंगे तुहानू यह गैस पेपर सेंड करनू, यह तुहाने ध्यान विच रखना है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट गूगल पे फोन पे पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो उस केस दे विच ओह स्टूडेंट बैंक दे विच ट्रांजैक्शन करके भी इस गैस पेपर नू परचेज कर सकता है। अपनी जो रिसिप्ट है तुहाने इस दे उपर सेंड कर देनी है, साडी टीम तुहानू 30 तो 60 मिनट दे विच रिप्लाई दे देगी और तुहानू जिहड़ा गैस पेपर होएगा वह PDF फॉरमेट दे विच अवेलेबल करवा दिता जाएगा। ठीक है जी, यह सी कंप्लीट इनफॉर्मेशन अपने इस स्पैशल गैस पेपर के बारे। ठीक है जी, तुहानू पता है एग्जाम दे विच ज़्यादा दिन नहीं बचे। ठीक है, हुण तुहाडे कोल सिर्फ और सिर्फ इस गैस पेपर करन नू ही टाइम है। ठीक है, जेकर अगर आपां कंप्लीट इस कोर्स नू करन दी कोशिश करिए या फिर आपां कोई भी बुक फॉलो करने की कोशिश करिए तो आप फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि अपने को ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है जी, इस PDF तो तुसी तैयारी करो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस तुसी इस गैस पेपर दे विचों अपने एग्जाम दे विचों डायरेक्ट देखोगे। ठीक है जी, अगर कोई स्टूडेंट साडा पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए फ्लैगशिप कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वह स्टूडेंट साडा कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। यह कोर्स तुहानू कित्थे मिलेगा, इस दे लई तुहानू साडी ऐप इंस्टॉल करनी पएगी जिसका नाम है पंजाब IQ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तुहानू लिंक मिल जाएगा, उत्थों तुसी साडी डायरैक्ट ऐप नू डाउनलोड कर सकते हो। इस दे विच तुहानू टॉप सैलिंग दे विच साडा कोर्स मिल जाएगा, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का कोर्स, उत्थों तुसी इस कोर्स नू भी ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की जिहड़ी फीस रखी गई है सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपये रखी गई है इस स्पैशल कोर्स की फीस। ठीक है जी, सो यह सी अपने कोल पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चंस दा सैट नंबर 2, जिस दे विच आपां ने काफ़ी इंपोर्टेंट जनरल अवेयरनेस दे क्वेश्चंस कवर किए ने काफ़ी डिटेल दे विच। अगर तुहानू इन 15 क्वेश्चंस दे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है तो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, अगर तुसी इस सैट नंबर 2 दी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसी साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पंजाब IQ, इस नूं ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, इस दे विच तुहानू सारियां PDFs ने जिहड़ियां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाईआं जांदियां ने। ठीक है जी, इस टैलीग्राम चैनल दे उपर, इस टैलीग्राम चैनल नूं तुसी ज्वाइन कर सकते हो, इस दे विच सारियां जिहड़ियां PDFs ने तुहानू मिल जाणगियां। ठीक है जी, अगर तुहाने साडा चैनल हले तक पंजाब IQ नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, वीडियो नूं लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स दे नाल तां कि जो भी स्टूडेंट्स इस कोऑपरेटिव बैंक दे एग्जाम दी तैयारी कर रहे ने उहनां तक इस वीडियो दी रिकमेंडेशन पहुँच सके। सो इस सैट नंबर 2 दे विच बस इन्ना ही, मिलते हैं मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चंस दे सैट नंबर 3 दे विच। सो थैंक यू सो मच।